तो चलिए जी आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम अजीत नौटियाल और आपका स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत से गांव ग्राम सभा जगड़ गांव में। तो दोस्तों मैं अभी अपने घर पे हूँ और आज के नए व्लॉग की नई शुरुआत करता हूँ दोस्तों अपने घर पे ही। और अपने हमारे पहाड़ों का तो दोस्तों आपको पता ही है कि क्या क्या सिस्टम होता है रोज का डेली रूटीन सुबह से शाम। दोस्तों काम का सीजन तो काम पे ही। तो दोस्तों अब आइए सबसे पहले आपको आज का मौसम दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों आज का मौसम आप देख सकते हैं, ये बादल भी लगे हुए हैं और कहीं कहीं से साफ भी है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ का सुंदर नज़ारा। और ये देखिए यहाँ पे बंदर ने यहाँ पे पूरी तार हिला दी यार, देखिए बहुत ज़्यादा हिल रही है। दोस्तों देखिए बंदर का आक्रमण किस प्रकार हो गया हमारे क्षेत्र में। और आप देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों छत के ऊपर कैसा जो बैठ रखा है ये देखिए आप। और मैं आपको और बंदर भी दिखाऊंगा। ये देखिए ऊपर छत के ऊपर बैठे हुए हैं, आजकल बहुत परेशान कर दिया दोस्तों इन बंदरों ने। और देखिए तार को किस प्रकार हिला दिया, इससे बहुत बड़ी घटना होने की संभावनाएं भी है, कभी भी हो सकती है। और मैं आपको मौसम दिखा रहा था तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर मौसम हो रखा है दोस्तों आज का। और सूर्य भगवान पे बिल्कुल बादल लगे हुए हैं, जैसे ग्रहण लगता है। आप देख सकते हैं सूर्य भगवान बिल्कुल बंद कर दिया है उन्हें दिखाना आप। और पहाड़ियाँ देख सकते हैं आप, कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं हमारे उत्तराखंड की। देखिए बहुत प्यारी पहाड़ी है यार, आप देख सकते हैं। दोस्तों आज टाइगर और शेरों को मैं घर पे रखूंगा क्योंकि यार आजकल बंदर घर पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन्होंने हमारे कद्दू वगैरह बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया यहाँ पे। और सीधा घर के अंदर अंदर कमरों में देख रहे हैं यार वो, और उससे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है इन बंदरों ने। और अब मैं जाता हूँ दोस्तों, टाइगर और शेरों को भी आपको दिखा देता हूँ। शेरू बिल्कुल शेरू ले ले ले, देखिए दोस्तों शेरू बहुत प्यारा है, देखिए किस प्रकार खेलता है ये, और हर बार अच्छा खेलने के मूड में रहता है, ये सब चीज़ जानता है दोस्तों। और निधि आ गई है दोस्तों, निधि रोटी बनाएगी और मम्मी और पापा ऋषि के जा रखे हैं, मम्मी ने रोटी बनानी थी। और ये देखिए शेरू किस प्रकार खेल रहा है निधि के साथ। और ये देखिए दोस्तों टाइगर, टाइगर हर बार सावधान मूड में रहता है बिल्कुल। ये देख सकते हैं आप शेरू, शेरू शेरू पार पार ये देखिए दोस्तों शेरू पोजीशन कैसी लेता है आप देख सकते हैं। जब शेरू देखता है कि कुछ भी कहीं से भी कोई हरकतें दिख रही है तो आप देख सकते हैं, और टाइगर भी बिल्कुल सावधान हो जाता है। देखिए आप टाइगर भी पूरे मूड में आ जाता है और बिल्कुल तैयार रहता है हर बार कहीं से भी अटैक हो तो बस। और शेरू को देखिए दोस्तों, शेरू को बस शेरू, ये देखिए दोस्तों कैसे चलता है शेरू। ये पहाड़ी कुत्ते हैं दोस्तों, पहाड़ी भूटिया कुत्ते हैं, तो ये जानते हैं कि हमें अपने घर की रखवाली, अपने सामान की रखवाली, अपने गांव की रखवाली किस प्रकार करनी है, अपनी हर एक चीज़ की रखवाली कैसे करनी है। तो दोस्तों हमारे खेत में देखिए आप संतरे बहुत लग रखे हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई खेत में चले जाए, पेड़ में तो बहुत दूर की बात है। तो ये देखिए शेरू और टाइगर की जिम्मेदारी है यहाँ की सब चीज़। तो चलिए जी अब जा रहा हूँ छानी के लिए और वहाँ गाय को चराऊंगा दोस्तों, अपनी गौ माता को। और अब मैं घर से निकल गया हूँ, अब जाता हूँ यार। ये जो रोज का रूटीन है हमारा गांव में का, गांव का जो रूटीन होता है, तो अब चलते हैं उस पर। मैं पहुंच गया हूं जी इस लोकेशन पे जहां पे मेरी गाय चलेगी चरेगी दोस्तों खेतों में, और मैं यहां का नज़ारा दिखाऊंगा आपको। बहुत सुंदर व्यू है दोस्तों यहां से, हमारी बनकोट ग्राम सभा, जगड़गांव ग्राम सभा और दिचली ग्राम सभा तीनों एक साथ दिख रही है दोस्तों। ये धार के ऊपर है और यहाँ के नीचे, यहाँ के लिए बोलते हैं देवीधार, और देवीधार से आगे दोस्तों ये जगह है टिपरी बैंड, और जहाँ से हमारी रोड भी जा रही है हमारे गाँव की रोड। तो यहाँ का सुंदर नज़ारा, भव्य दिव्य नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, आप ये हमारी गाय चल रही है यहाँ पे, देखिए खेत है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ के लिए टिपरी बैंड से ऊपर रल्दी है यहाँ का नाम रल्दी पे, और यहाँ पे छानी भी दोस्तों लोगों की, और यहाँ का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं आप। और सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये जो गाँव दिख रहे हैं, मकान दिख रहे हैं, ये है बनकोट ग्राम सभा। और ये जो सामने दिख रहे हैं दोस्तों, ये दोस्तों कवागड्डी, और ये देखिए दोस्तों सामने पहाड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं आपको भेंगवाल गांव भी दिखा देता हूं, और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों आप कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पे, और यहीं से लोग पत्थर ले जाते हैं मकान बनाने के लिए। पहले बहुत सारे पत्थर थे यहाँ, लेकिन अब ये सब तोड़ तोड़ के यहाँ से लोगों ने अपने घर ले गए हैं मकान बनाने के लिए। ये हमारे गाँव का सुंदर नजारा देख सकते हो दोस्तों आप, ग्राम सभा जगड़ गाँव।
और देखिए यहाँ से पूरा व्यू आ रहा है यार, सारे मकान दिख रहे हैं। और ये हमारे गांव की रोड देख सकते हैं आप, ये रोड दोस्तों जो हमारे गांव की मेन हाईवे पे जाती है। और जो ये नीचे गांव दिख रहा है दोस्तों, ये दिख रहा है दिचली गांव। और यहाँ से दोस्तों तीन गांव एक साथ दिख रहे हैं यार, यहाँ का बहुत सुंदर नज़ारा है आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों सामने सर्प क्यारी पोखड़ी सौड और धमिया चौंडियान जोगत मल्ला सब दिख रहा है दोस्तों। दोस्तों मैं जिस लोकेशन पे हूँ यहाँ के लिए बोलते हैं देवीधार, और आप पीछे देख सकते हैं धार के ऊपर देवी का मंदिर है दोस्तों। तो जैसे कि मैंने पिछले एक ब्लॉग में दिखाया था आपको कि बंदर की रहस्यमयी मौत, और दोस्तों मुझे पता नहीं चला कि बंदर की मौत कैसी हुई है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। मुझे पता चल गया दोस्तों, मैंने पूछा है इधर आसपास सभी लोगों से, तो उन्होंने कहा है कि एक दिन एक बंदर को करंट लग गया था वो ऊपर धार के ऊपर। मैं दिखाता हूँ आपको, वो जो ट्रांसफार्मर दिख रहा है दोस्तों आपको यहाँ ऊपर धार के ऊपर, तो यहाँ पे एक बंदर को करंट लग गया था और ये धार के ऊपर। तो जब करंट लगा दोस्तों तो उसके बाद वो बंदर नीचे गिर गया था, लगभग वो उसी टाइम थोड़ा बहुत प्राण थे उसके पास। और उस टाइम यहाँ दोस्तों खेतों में ककड़ी थी, पहाड़ी ककड़ी, और यहाँ खेत में लोग काम कर रहे थे तो उन्होंने उसे ककड़ी खिला दी थी। और उस दिन तो वो ठीक रहा फिलहाल, लेकिन अगले जैसे देखा हो तो वो मर गया था वहीं खेत में ऊपर ही, वहाँ ऊपर वहाँ दोस्तों खेत के ऊपर वहाँ। और फिर लोगों ने वहाँ से उसे फेंक के उसे यहाँ रास्ते पे छोड़ दिया था, जिससे हमारी गायों को उधर से इधर आने में बहुत दिक्कतें हुई और बंदर की मौत का रहस्य पता नहीं चला। तो दोस्तों आज मुझे पता चल गया, मैंने आपको बता दिया है। और ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये जियो का टावर है हमारे गाँव में, तो अभी लाइट जा रखी है, तो दोस्तों ये जनरेटर से चल रहा है, तो अभी इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप। यहाँ पे देवी का मंदिर आप देख सकते हैं, और आजकल नवरात्र है तो मैं देवी को प्रणाम करता हूँ। देवी प्रपन्ना तिहरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध माते जगत खलस्या प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाही विश्वम त्वमी सूरी देवी चराचरस्या, जय माता दी जय माता दी। दोस्तों छानी से मैं घर आ गया हूँ और बहुत भयंकर बारिश हो रही है यार, आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ का मौसम। और आज के ब्लॉग को करता हूँ दोस्तों यहीं पे समाप्त, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूले। जय देवभूमि उत्तराखंड।